घर में और मंदिर में फर्क क्या है? प्रत्येक इंसान मंदिर में, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, बुरे ख्यालात वाला क्यों ना हो, लेकिन जब मंदिर में जाने से पहले, उसके चौकट पे पहुंचने से पहले ही वो अपने आप को संदेश देता है, देखो मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, कोई गलत बात मत सोचना, गलत बात करना मत, किसी को अपशब्द कहना मत। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है। मन पे लगाम किया और तब अंदर प्रवेश किया। इसलिए बुरे से बुरे लोग भी मंदिर में जाते हैं, लेकिन वो एक रुपये का भी दान दे देते हैं तो उस दान में भी बरकत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान अपने घर में प्रवेश करता है तो घर के बारे में कभी सोचता ही नहीं है कि यहां पे बुरा नहीं करना है। तब सोचता है यहां मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी के लिए बुरा भी कर सकता हूं, सोच भी सकता हूं, किसी से झगड़े भी कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी यहां। वही इंसान अगर अपने जीवन में अपने घर को भी भगवान का घर अगर बना दे, राम जी का घर अगर बना दे, तो उसके घर में उसी दिन से बरकत होनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक सदस्य जिस दिन ये मानना लगे कि ये मेरा घर मेरा नहीं है, ये राम का है, भगवान का है, उसके घर में मैं रह रहा हूं, सिर्फ आप ये मानना सोचना शुरू कर दो आज से कि मैं भगवान के घर में रहता हूं, तो उस दिन से क्या होगा कि आपके घर में ही मंदिर स्थापित हो जाएगा। फिर घर नहीं रहेगा, फिर मंदिर हो जाएगा, और जहां मंदिर होगा वहां तो बरकत और तरक्की होनी ही होनी है। वहां बीमारियां कहां आएंगी? वहां सिर्फ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य होगा, वहां अच्छे ही विचार चलेंगे। लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा कि ये मेरा घर। फिर सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे आपके, जिस दिन आपने अपने घर को मंदिर मान लिया।